हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो सी इंटरमीडिएट में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। ये अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो पहला चैप्टर था आपका इनकम अंडर रेट सैलरी, दूसरा चैप्टर था आपका इनकम अंडर रेट हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा चैप्टर है आपका इनकम अंडर रेट PGBP और चौथा चैप्टर है हेड्स ऑफ इनकम में, जिन हेड्स में इनकम निकाली जाती है वो चौथा हेड का नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, और लास्ट चैप्टर जो रहेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसा कि हम पढ़ते हुए आते हैं कि किसी भी चैप्टर का जो पहला सेक्शन है वो चार्जिंग सेक्शन होता है, और चार्जिंग सेक्शन से आपको ये पता लगता है कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई भी इनकम इस पर्टिकुलर चैप्टर में टैक्सेबल होगी। ये जो चैप्टर की कवरेज है इस पूरे चैप्टर की कैपिटल गेन की, वो है सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55A तक। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, कैपिटल गेन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 45 टू 55 ए। ये टोटल सेक्शन की कवरेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जाएगा कि जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। MCQ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जो 30 मार्क्स के MCQ आएंगे और कुछ MCQ भी पूछे जाएंगे और कुछ ना कुछ आपका न्यूमेरिकल या सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा, जो 70 मार्क का पेपर है आपका, उसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर इस चैप्टर में से लगने वाला है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ कि इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोग चैप्टर को बहुत इजी वे में समझेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअली भी, क्योंकि इस चैप्टर का ये चैप्टर हुआ और PGBP हुआ, ये दोनों के दोनों चैप्टर प्रैक्टिकली भी बहुत यूज होने वाले हैं और आपकी कमाई का जरिया बनने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, सेक्शन 45(1) जो है वो चार्जिंग सेक्शन है। जैसा कि आप चैप्टर के नाम से ही समझ रहे हैं, सेक्शन 45(1) जो है वो है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में बेसिकली कंडीशन दी हुई होती हैं कि किन किन कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर ये इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी। तो जैसा कि आप नाम से समझ रहे, कैपिटल गेन यानी कि कुछ कैपिटल, कुछ एसेट को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, वो इस चैप्टर के प्रोविज़न के अंदर चार्जेबल होगा, इस चैप्टर के रूल्स लगेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? कैपिटल एसेट आपके पास होनी ज़रूरी है। अब कैपिटल एसेट क्या होती है, कोई हमें अकाउंटेंसी का मीनिंग नहीं लेना है, अपने आप में इस वर्ड को लॉ मेकर्स ने डिफाइन कर रखा है और वो डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कि कैपिटल एसेट क्या होती है। ये हमें बता रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। हम लोग साथ के साथ सेक्शन भी याद करते हुए चलेंगे। सेक्शन वैसे मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट लेवल पर इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी जो बच्चों को शिकायत रहती है कि हमें रिटेन नहीं रह पाता, हम लिंक नहीं कर पाते चीज़ों को, तो वो अगर जिन बच्चों को सेक्शन नंबर भी साथ के साथ याद होते हुए चलेंगे तो उन लोगों को वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो हम लोग, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सेक्शन कैसे याद कराऊंगा, मैं एक ही चीज़ को जब 10 बार बोलूँगा, रिवाइज कराऊंगा क्लास के अंदर, लिखवाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा। तो कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है बच्चों सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। तो दियर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, आपने कैपिटल एसेट तो है आपके पास, लेकिन आपने क्या किया हो उस कैपिटल एसेट को? आपने उस कैपिटल एसेट को बेचा हो, लेकिन यहाँ बेचने के लिए वर्ड सेल वर्ड यूज नहीं कर रखा, बल्कि उसके लिए वर्ड यूज कर रखा है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र की भी जो टेक्निकल डेफिनेशन है
वो बच्चों दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जितनी भी वोकैबुलरी का पार्ट होता है वो सेक्शन 2 में होता है। इन जनरल सभी लॉ में ये होता है, जो सेक्शन 2 की डेफिनेशन होती हैं वो पूरे लॉ में लगती हैं जिस भी एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सेक्शन 2 के अलावा डेफिनेशन नहीं होती हैं, जो चैप्टर के अंदर डेफिनेशन होती हैं वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो कहीं पर भी आपको ट्रांसफ़र वर्ड पूरे इनकम टैक्स में सुनने को मिले तो उसका मतलब वही लेना है जो सेक्शन 247 में लिखा हुआ है। तो पहली कंडीशन थी कैपिटल एसेट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। अच्छा, ट्रांसफ़र कौन से ईयर में होना चाहिए, वो होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग मई और नवंबर के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर है 1920 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होनी चाहिए विद इन द मीनिंग जो कि एट डिफाइंड बाय द लॉ मेकर। यानी कि कोई सी भी एसेट आप बेचोगे तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल गेन चैप्टर अट्रैक्ट हो जाएगा। एसेट कौन सी होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए और कैपिटल एसेट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 14। और आपने जो ट्रांजैक्शन किया हो, जो आपने वर्क किया हो, वो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आना चाहिए। और ट्रांसफ़र की जो डेफिनेशन गिविन है वो गिविन है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, और ऐसा आपके साथ प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अगर वो ट्रांजैक्शन जो ट्रांसफ़र की आपने की है प्रीवियस ईयर के अलावा की हुई है तो हम उसे इस साल टैक्सेबल नहीं करेंगे। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं बच्चों, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं भी होता है लेकिन फिर भी कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर में ही आता है, अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। दोबारा से देखते हैं, कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होना चाहिए, अब ट्रांसफ़र होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो कैपिटल गेन अराइज होता है। कैसा लगेगा, न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो हम सीख लेंगे। लेकिन पहले मसाला तैयार कर लेते हैं कि चैप्टर लगना भी है या नहीं लगना है, सामग्री सारी तैयार कर लेते हैं, उसके बाद तो हम न्यूमेरिकल काफ़ी करेंगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुसीबत बच्चों के सामने आती है वो आती है आइडेंटिफिकेशन में, और वो आइडेंटिफिकेशन बिलोंग करता है कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, कैपिटल एसेट क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए, अब वो ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तो मेन मैंने आपको ये सेक्शन 45(1) की कंडीशन बता दी हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो कैपिटल गेन लगेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसफ़र, कि कैपिटल एसेट क्या है और ट्रांसफ़र क्या है। आज की क्लास में हम केवल एक वर्ड का मतलब समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैपिटल एसेट। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि कैपिटल एसेट क्या है और क्या चीज़ें कैपिटल एसेट की कैटेगरी में इस शब्द में नहीं आती हैं। तो कैपिटल एसेट क्या है, वो दिया हुआ है आपको सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 14 में गिविन है कि कैपिटल एसेट क्या है। हम बात करते हैं कि कैपिटल एसेट क्या है, एक तरफ इंक्लूड लिख लेते हैं और एक तरफ हम लिख लेते हैं एक्सक्लूड। कैपिटल एसेट में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी कि किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर होगी, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और पर्सनल पर्पज, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे आपकी प्राइवेट एसेट हो, चाहे वो बिजनेस में काम आने वाली एसेट हो, हर तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे,
कैपिटल एसेट मानेंगे, लेकिन क्या क्या चीज़ नहीं मानेंगे हम जो भी बिजनेस का स्टॉक एंड ट्रेड होगा SIT, यानी कि जिस एसेट में बिजनेस का वर्क होगा उसे खरीदना या बेचना, तो वो चीज़ हम स्टॉक एंड ट्रेड का जो पार्ट होता है वो हम कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड के ऊपर जो इनकम कैलकुलेट होती है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में होती है। तो एक ही चीज़ पर डबल टैक्सेशन ना हो जाए कि आप उसी चीज़ को बेचने पर बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम भी कैलकुलेट करें और उसी चीज़ को बेचने पर आप कैपिटल गेन की भी इनकम कैलकुलेट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैरेसमेंट हो जाएगा SSC का कि एक ही चीज़ पर वो डबल टैक्स देगा। तो स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल एसेट की कैटेगरी से बाहर रख दिया है। लाइक अगर हम बात करें मारुति उद्योग लिमिटेड, वो उनका काम जो है गाड़ियों को बेचने का है, तो अगर वो गाड़ियाँ बेचते हैं तो वैसे उनके लिए, क्योंकि वो स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट है, तो उनके लिए वो चीज़ कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगी। DLF बिल्डर की बात करते हैं, उनके लिए जो है बिल्डिंग्स हैं, मकान हैं, शॉप्स हैं, वो उनके स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट होता है, तो अगर वो उन प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उनके लिए कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो स्टॉक एंड ट्रेड जो भी है उसे हम आगे एक्सटेंडेड पार्ट में कर सकते हैं। स्टोर्स हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, तो उसकी पेपर में ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप स्टॉक एंड ट्रेड समझ लीजिए, तो स्टॉक एंड ट्रेड आपका नहीं होता। लेकिन एक चीज़ एक्सेप्शन ज़रूर है, एक एक्सेप्शन है कि एक तरह का स्टॉक एंड ट्रेड वो कैपिटल एसेट होता है, वो भी मैं पॉइंट नंबर 2 में लिखवाऊंगा आपको कि कौन सा स्टॉक एंड ट्रेड आपका कैपिटल एसेट में इंक्लूड होता है, और वो है सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सिक्योरिटी यानी शेयर्स और डिबेंचर्स, उनका जो काम है, देखिए कोई चीज़ स्टॉक एंड ट्रेड है या नहीं है वो डिपेंड करता है उसकी रेकरिंग नेचर के ऊपर। मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता हूँ तो मेरे लिए वो एक कैपिटल एसेट का काम करेगी, क्योंकि मेरा मेन वर्क शेयर्स को खरीदना बेचना नहीं है। लेकिन अगर एक शेयर ब्रोकर किसी भी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर को खरीदता बेचता है तो उसके लिए वो स्टॉक एंड ट्रेड का काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो SSE के लिए स्टॉक एंड ट्रेड का काम करता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखते हुए, नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए, टाइप ऑफ बिजनेस को देखते हुए। लेकिन बात क्लियर है बिल्कुल कि अगर वो आपके लिए स्टॉक एंड ट्रेड का काम करता है तो वो आपके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन अगर वो कोई भी एसेट है, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड है, चाहे वो पर्सनल से रिलेटेड है, लेकिन अगर वो आपके स्टॉक एंड ट्रेड का काम नहीं करता है तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल एसेट है। लेकिन एक तरह का स्टॉक एंड ट्रेड अगर FII हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इनकी भी एक डेफिनेशन होती है, उसकी ज़रूरत नहीं। आप समझ लीजिए कि बाहर के जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो FIIs हैं, और वो इंडिया में शेयर डिबेंचर को खरीदने बेचने का काम करते हैं, रेगुलर तौर पर करते हैं, उनके लिए वो स्टॉक एंड ट्रेड है। लेकिन उनके लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ को जो सिक्योरिटीज है उसे कैपिटल एसेट माना गया है। इसका मतलब है कि चाहे वो उनका स्टॉक एंड ट्रेड है या नहीं है, लेकिन वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का ही पार्ट हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जो सिक्योरिटीज हेल्ड बाई FII है, इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति होगा, इंडिया के इन्वेस्टर्स होंगे जो कि किसी भी कंपनी के शेयर से डिबेंचर में पैसा लगाने का जिनका काम है, जिनका स्टॉक एंड ट्रेड है, तो उनका स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन FII का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एक बेनिफिट दिया गया है कि उनकी जो इनकम है वो PGBP में ना आके उनके स्टॉक एंड ट्रेड को कैपिटल गेन में टैक्सेबल किया गया है। और कारण आप सब समझते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में इनकम होती है उनकी, तो अगर हम अपर लेवल का भी टैक्स रेट देखें तो 10-20-30% के टैक्स रेट में वो चले जाएंगे, लेकिन कैपिटल गेन का कोई भी टैक्स आपका 20% से ऊपर नहीं जाता। अगर शॉर्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैक्सिमम 20% के टैक्स रेट में आता है। तो उन्हें ये बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बना लेंगे इसे, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेज में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। लेकिन एक बेनिफिट है कि अगर आप बना लेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है, ऑल द वो स्टॉक एंड ट्रेड हैं, लेकिन उनके ऊपर कंसेशनल रेट ही लगेगा। लेकिन चलिए ये बात की बात है रेट वगैरह की, अभी हम उस हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहे हैं अभी, उनके ये वाली बात थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ेगी, उन्हें बाद में समझ में आएगी ये वाली बात। लेकिन जो रिवीजन कर रहे हैं उनके ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, पहली बार कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें अभी ये लॉजिक शायद समझ में नहीं आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसे छोड़िए अभी आप। तो हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल एसेट क्या है। इंक्लूड में कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वेदर वो बिजनेस पर्पज है, चाहे वो आपका पर्सनल पर्पज है, वो जो सिक्योरिटी रहे, जो FIIs रखे हुए हैं, ये दोनों चीज़ें आपके कैपिटल एसेट हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई एसेट वो स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। सेकंड चीज़ जो एक्सक्लूड है, जो कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सनल मूवेबल मूवेबल एसेट, केवल मूवेबल एसेट को एक्सक्लूड किया गया है, और उन मूवेबल एसेट को जो कि पर्सनल यूज के लिए हैं। आगे पूरी की पूरी लैंग्वेज है कि पर्सनल मूवेबल एसेट हेल्ड बाय द SSC फॉर हिज पर्सनल यूज और द यूज ऑफ हिज फैमिली मेंबर, केवल मूवेबल एसेट को ही छोड़ा गया है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब है अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वो पर्सनल यूज भी है, तो भी वो क्या बनेगी, आपकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर आएगी। जैसे अगर एक कार है जिसमें मैं अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज करता हूँ, कहीं मुझे आना जाना है, घूमने फिरने जाना है, तो वो मेरी कार कैपिटल एसेट नहीं होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वो पर्सनल यूज में आती है, लेकिन अगर वही कार बिजनेस यूज में आती है, तो वो कैपिटल एसेट का पार्ट बनेगी और उसके ऊपर कैपिटल गेन निकाला जाएगा। केवल पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं आएंगी। एक टीवी है, एक रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल फ़ोन है, लेकिन केवल वो तभी अगर वो पर्सनल यूज के लिए हैं। लेकिन यही मूवेबल एसेट अगर बिजनेस पर्पज के यूज के लिए आती हैं, और ये कैसे पता लगता है कि वो बिजनेस यूज है या पर्सनल यूज है, डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है, तो वो पता लगता है कि अगर आप उन एसेट पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स में, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो बिजनेस यूज है। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पर्सनल यूज हैं। तो वो आपको तय करना है कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना है या नहीं करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो पर्सनल मूवेबल एसेट होंगी, और जब आप उन्हें बेचेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक मेरे साथी हैं, उसका लॉजिक बच्चों को बताते हैं, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो कभी अगर आप कोई लॉजिक बताए, तो आप जो मैं अब आपको आंसर दे रहा हूँ वो आप पूछ सकते हैं कि लो मेकर्स ने बड़ी चालाकी से जो पर्सनल मूवेबल एसेट हैं उन्हें कैपिटल एसेट नहीं माना। क्यों नहीं माना, उसका रीज़न वो बताते हैं कि क्योंकि इन पे हमेशा नुकसान होने वाला है। कि एक कार है, आपने 4 साल पहले ली है, तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू ऐसा थोड़ी है कि वो ज़्यादा की सेल हो जाएगी। एक मोबाइल फ़ोन है, आपने लिया है, 2 साल बाद आप बेचने लगोगे, तो ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा पर बिकेगी, वो बल्कि कम पर बिकेगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनरली जो भी एसेट आप खरीदते हैं वो उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट होती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस वजह से इन्होंने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। उसका कारण ये है कि अगर यही एसेट बिजनेस पर्पज़ के लिए, एक कार है, अगर आप एक बिजनेस पर्पज़ के लिए लेते हैं, तो भी तो क्या उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी। एक मोबाइल फ़ोन है, अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए लेंगे, तो क्या उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होगी, होगी, लेकिन वो कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर वही आप एसेट मूवेबल पर्सनल पर्पज के लिए लेते हैं, तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानी गई। इसका जो सही लॉजिक है वो ये है कि गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कई बार अगर आप होम लोन लेते हैं बैंक से, तो उसकी रेट अलग होती है। लेकिन अगर वही लोन आप बिजनेस पर्पज के लिए लेते हैं, तो उसकी जो रेट होती है वो अलग होती है। बैंक से अगर लेते हैं तो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। तो गवर्नमेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि जिन जिन चीज़ों की वैल्यू कम होने वाली है
तो गवर्नमेंट को वहाँ नुकसान होने वाला था, इसलिए उन्होंने कैपिटल एसेट नहीं माना कि भाई तुम देखो तुम्हारा लॉस है और हम इसको अंडर द हेड कैपिटल गेन में ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लॉस हम नहीं निकालेंगे क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं। ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि वो नहीं परेशान करना चाहते थे जो पर्सनल पर्पज के लिए एसएससी मूवेबल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो लॉ मेकर्स चाहते थे कि वो एक्सक्लूड रहे कैपिटल गेन के चैप्टर से, वो कैपिटल गेन के चक्कर में ना फंसे। लेकिन अगर ये एसेट बिजनेस पर्पज के लिए हैं तो उनका इरादा कोई एक्सक्लूड करने का नहीं है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, वो निकाला जाएगा। लॉजिक केवल बिजनेस और पर्सनल पर्पज का था, ये नहीं है कि जिन एसेट पर कम वैल्यू हो रही है तो उन्हें हमेशा एक्सक्लूड करना है। तो स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी भी आपका कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती है। लेकिन एक्सेप्ट कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी हैं और मूवेबल हैं, वो पर्सनल और मूवेबल होते हुए भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएंगी, क्योंकि हमने कहा कि ये चीजें एक्सक्लूड हैं। पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, पर्सनल मूवेबल एसेट, लेकिन पर्सनल मूवेबल एसेट डज नॉट इंक्लूड दीज एसेट जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहला नाम आता है ज्वेलरी का। गवर्नमेंट ने उन मूवेबल एसेट को छोड़ा है जो आपके पर्सनल यूज के लिए आती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उन मूवेबल एसेट को कैपिटल एसेट माना है जो पर्सनल होते हुए भी कहीं ना कहीं एसएससी का पर्पज इन्वेस्टमेंट का रहता है। जैसे ज्वेलरी है तो हम कह कुछ भी दें कि हमारी ज्वेलरी पहनने के लिए काम में आती है, हम जब भी कोई फंक्शन होता है वहाँ ज्वेलरी पहन के आते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में जो ज्वेलरी है वो एक इन्वेस्टमेंट का साधन है। आदमी उसे यूज करने की जगह ये सोचता है कि चलिए गोल्ड में पैसा लगा देते हैं, ये ज्वेलरी खरीद के रख लेते हैं, 10 साल बाद इसकी या 20 साल बाद इसकी वैल्यू में इजाफा आएगा। पर्सनल पर्पज हो सकता है, इसमें डाउट नहीं है, डिबेटेबल इशू है, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिबेट खत्म कर दिया कि चाहे वो पर्सनल यूज था या नहीं था, गवर्नमेंट को ये लगता है कि 99% ट्रांजेक्शन में पर्सनल पर्पज यूज नहीं होता है, ऐसे से झूठ बोलता है। तो हम इस डिबेट को ही खत्म कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ज्वेलरी ऑलवेज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। लेकिन ज्वेलरी की क्या डेफिनेशन है वो भी टेक्निकल डेफिनेशन लॉ मेकर्स ने दी है, उसे भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अगली क्लास में हम उसे भी पढ़ेंगे कि ज्वेलरी का मतलब क्या है। दूसरा, ड्राइंग्स हैं, स्कल्पचर है, वर्क ऑफ आर्ट है। ड्राइंग्स ऐसी नहीं है कि जो हम और हमारे बच्चे घर में किसी पेपर पे बना रहे हैं, ठीक है, ये ड्राइंग्स की बात है, पेंटिंग की बात है। जैसे लाइक MF हुसैन, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो पेंटर हैं, जो कैनवास पर पेंटिंग करते हैं, तो लोग बाग उन्हें खरीदते हैं, उनकी पेंटिंग को, उनकी ड्राइंग्स को खरीदते हैं, और वो भी एक तेज़ी से प्रचलन में आ रही है चीज़, इन्वेस्टमेंट का साधन बढ़ रही है कि आज MF हुसैन की पेंटिंग आपने 2 करोड़ में खरीदी, 4 साल बाद वो उसकी शायद वैल्यू 3 करोड़ या 4 करोड़ हो जाए। ऐसी आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का मतलब होता है जो पुरानी चीज़ें, पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनमें भी आदमी जो लोग हैं, जो एसएससी हैं, जो रिच हैं, वो उन चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज वैल्यू कुछ है और जितनी भी पुरानी होती चली जाएगी दिन डे बाय डे उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 4-5 चीज़ें हैं वो नोट्स में लिखी हुई भी हैं, ज्वेलरी है, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, वर्क ऑफ आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, स्कल्पचर है, स्कल्पचर यानी कि मूर्तियां, ठीक है ना, मूर्तियों में लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऑल्दो ये पर्सनल पर्पज हो सकती हैं, डिबेटेबल इशू है, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिबेट ख़त्म कर दिया और साफ साफ ये कह दिया कि आपकी ये जो मूवेबल एसेट हैं जो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं मूवेबल एसेट में से, ये कैपिटल एसेट मानी जाएंगी।
इसके बाद जो थर्ड आइटम है जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है वो है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी आपकी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी और उससे बेचने पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इसकी भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है और पीछे अभी मई 2019 में जो एमसीक्यू आया था बहुत बढ़िया एक एमसीक्यू रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन से पूछा गया था। पढ़ते वक्त बच्चे क्या कर देते हैं कि ऊपर ऊपर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं। और इंस्टीट्यूट आज की तारीख में क्या कर रहा है कि वो जहाँ बच्चा छोड़ के गया थ्योरी को वहीं से एमसीक्यू पूछ रहा है। और आज की तारीख में पास होना बहुत ईजी है, एमसीक्यू अगर आपने 30 मार्क के जो हैं वो अपने बहुत मजबूत कर लिए और वो जो एमसीक्यू मजबूत होंगे वो आपकी डेप्थ नॉलेज से मजबूत होंगे, जितनी आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मजबूत होगा वहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पोस्टमार्टम करेंगे इसका, दो चीज़ों का, एक तो ज्वेलरी की डेफिनेशन है जो हमें पढ़नी है, क्योंकि खाली से ऐसा नहीं कि पेपर में ज्वेलरी लिखने के लिए ज्वेलरी नाम से आ जाएगा, हो सकता है कि वो आपको कोई केस दें और ये आपको पहचानना पड़े कि वास्तव में जो केस है इस केस में जो बातें बताई गई हैं ये ज्वेलरी की डेफिनेशन के अंदर आती भी हैं या नहीं आती हैं। और इसी तरह से डायरेक्ट अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड आ गया तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन कि आपको पता है कि कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने एक सिचुएशन दिया और एक केस दिया और वहाँ पर आपको पहचानना पड़ता है कि वास्तव में जो सिचुएशन है, जो केस है, जो बातें बताई गई हैं उस लैंड को पहचानने के लिए कि वो रूरल है या अर्बन है, तो उस केस में आप तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कि आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन दो डेफिनेशन पर जरूर चर्चा करेंगे। और चौथा पार्ट जो है, जो एक्सक्लूड है, वो है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ९९ में इशू हुए थे। एक और है, अगर डेफिनेशन में बात किया जाए आपको कई सारी बुक्स में मिल भी सकता है, स्पेशल बियरर बॉन्ड जो 1991 में इशू हुए थे, लेकिन वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और प्रैक्टिकली सारे के सारे वो रिडीम हो चुके हैं, जिन्होंने भी गवर्नमेंट से इशू कराए थे वो रिडेम्पशन कर चुके हैं। तो प्रैक्टिकली उसका कोई यूज नहीं है कि प्रैक्टिकली किसी के पास भी वो एसेट मौजूद नहीं है, लेकिन जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड इन 1999 अभी उनका रिडेम्पशन बाकी है और कुछ लोगों के पास हैं तो ये काम के हैं। तो एक बार रिवाइज इसे कर लेते हैं हम कॉन्सेप्ट को, और हम करते हैं नोट से रिवाइज। सेक्शन 45(1) जो है, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन, और इसकी जो कंडीशन है चार्जिंग सेक्शन की, पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना जरूरी है। दूसरी डेफ एसेंशियल है कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, कैपिटल एसेट जो है ट्रांसफर होना चाहिए। देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन, गेन का मतलब यहाँ पर है बच्चों लॉस, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों की कैलकुलेशन यहाँ पर होगी। तो देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन, गेन को यहाँ पर मतलब है लॉस ऑन सच ट्रांसफर विच विल बी नोन एज कैपिटल गेन। देयर मस्ट टुक ट्रांसफर मस्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर जो पॉइंट नंबर डी है, दिस रूल हैज सम एक्सेप्शन, इवन इफ द ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देन ऑल्सो कैपिटल गेन विल अराइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और ई पॉइंट को भी हम छोड़ देते हैं, कुछ एक सीरीज है 54 वाली, वहाँ पर यह कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो कैपिटल गेन हमारा लगेगा। अब हमने जो पढ़ा सबसे पहली डेफिनेशन कि कैपिटल एसेट क्या होती है, तो इट गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, और जब आपको लिखने के लिए आएगी तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। बच्चे अक्सर पूछा करते हैं कि सर क्या एक एक वर्ड हमें याद करना पड़ेगा, सर हम पे याद नहीं हो पाता है। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, टैक्सेशन के पेपर की हम बात करें,
लॉ में हुआ, ऑडिटिंग में हुआ, वहाँ तो पूरी, क्योंकि मेनली ही थ्योरिटिकल पेपर है वो, तो वहाँ पर तो एक एक वर्ड आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो कीवर्ड्स अगर आपको याद हैं और बाकी लैंग्वेज आपने बना ली तो भी काम चल जाएगा। तो जैसे कैपिटल एसेट मीन्स डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी वेदर नॉट कनेक्टेड विद इट बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर कनेक्टेड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन चल जाएगा। और सेकेंड एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, चाहे ये इनके स्टॉक एंड ट्रेड का ही क्यों ना पार्ट हो। बट डन नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक एंड ट्रेड अदर देन जो आपने बी क्लोज में ऊपर पढ़ा है, यानी कि ये भी स्टॉक एंड ट्रेड का पार्ट है लेकिन फिर भी ये कैपिटल एसेट होता है, लेकिन इस पार्ट को छोड़कर जितने भी स्टॉक एंड ट्रेड हैं तो वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होते हैं। पर्सनल इफेक्ट जो हैं, पर्सनल इफेक्ट केवल मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो हमेशा ही कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। एक घर जिसमें आप रहते हैं, आपका परिवार रहता है एसेसी का, अगर वो घर कभी भी बेचना पड़ा तो उस पर हमेशा कैपिटल गेन आएगा। लेकिन कार, मोबाइल फ़ोन, फर्नीचर जो वो बेसिकली अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, उन्हें कभी बेचना पड़ा तो उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन कुछ मूवेबल एसेट जो पर्सनल होते हुए भी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी, उसमें पहला नाम है ज्वेलरी का, दूसरा नाम है आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का, इसका मैंने हिंदी मतलब भी साथ के साथ लिख दिया, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो जितने भी टेक्निकल वर्ड होंगे वो मेरी नोट्स में आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे जिससे प्रॉब्लम ना आए। ड्राइंग्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर मूर्तियों को कहते हैं, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल एसेट नहीं, ये कैपिटल एसेट होंगी A to F। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया कैपिटल एसेट नहीं होगी, क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम इन 1999 ये भी कैपिटल एसेट नहीं होगी। तो चार तरह की एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, पहला स्टॉक एंड ट्रेड, दूसरा पर्सनल मूवेबल एसेट लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और चौथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इनके अलावा सारी की सारी किसी भी तरह की एसेट हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज है चाहे वो पर्सनल पर्पज है, सारी की सारी आपकी कैपिटल एसेट हैं। और एक स्टॉक एंड ट्रेड भी कैपिटल एसेट है, वैसे स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता है लेकिन एक तरह का स्टॉक एंड ट्रेड कैपिटल एसेट है और वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में CS डिबेंचर आते हैं हेल्ड बाय FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर ये हैं तो ये कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो आज हमने एक चार्जिंग सेक्शन पढ़ा और चार्जिंग सेक्शन में एक डेफिनेशन पढ़ी कैपिटल एसेट की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर लैंड को समझेंगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को समझेंगे और ज्वेलरी की डेफिनेशन को समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।